अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है और ये विटामिन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर और हेल्दी रेसिपी है। तो आप इस तरीके से बनाइए और एकदम हेल्दी ब्रोकली खाइए। और फ्रेंड्स, मेरे मेथड से बनाइएगा, आपको बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ये स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्रोकली मीडियम साइज़ के लिए हैं, उसे कट कर लिए हैं और उसके जो साइड एजेस होते हैं, जो डंटल होते हैं, उसे भी इस तरीके से पतले पतले कट कर लिया है मैंने। और अब हम इसे धो के अच्छे से थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे इसी तरीके से। तब तक हम चलिए एक कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म कर लेंगे और उसमें आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डाल के 1 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद एक बड़ा साइज़ की प्याज को कट करके डाल देंगे और उसे भी अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे देखिए, हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को। और ये देखिए, हमारा लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं प्याज। अब हम इस टाइम पर ब्रोकली को डाल देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे धीमी आँच में, लो फ्लेम पर। इसी तरीके से 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें हरा मटर डाल देंगे, थोड़ा सा हरा मटर डालेंगे और इसे भी अच्छे से 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ढक्कन ढक के धीमी आंच में, लो फ्लेम पर। और ये देखिए, फ्राई अच्छे से हो चुकी है हमारी ब्रोकली धीमी आंच पे। तो अब हम मीडियम फ्लेम पे करके फिर से 5 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, अच्छा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे मसालों को डालेंगे। मसाले में हम लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्च पेस्ट और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा साइज की टमाटर को कट करके और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा गुलकी पाउडर। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसे ढक्कन ढक के पकाएंगे। ढक्कन को बंद कर करके ही पकाएंगे फ्रेंड्स, लो से मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ब्रोकली जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। तो इसी तरीके से हम ढक्कन को बंद कर करके खोल के हम इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये देखिए, लगभग हमारे ब्रोकली फ्राई हो चुके हैं। तो और थोड़ी फ्राई होने के लिए हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और लो फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इस टाइम पर 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता कट करके डाल देंगे और ये हमारा रेडी है एकदम जल्दी सा क्विक सा रेसिपी हमारा ब्रोकली का। तो अब हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ही लाजवाब लग रहा है, बहुत ही यम्मी लगता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, ट्राई करिएगा तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स, यकीन मानिए, रोटी के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपको ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाएं और मुझे ज़रूर याद करें। और मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।